अभी आपने built-in dishwasher 7721J का installation देखा, अब हम इसका control panel देखेंगे। इसमें आपको कुछ buttons नजर आ रहे हैं और कुछ glow lights नजर आ रहे हैं। एक LED panel दिया हुआ है, जिसमें आपको water hardness, time वो सब कुछ शो करेगा। First button on-off का है। जब तक आप on-off button press नहीं करेंगे, तब तक कोई भी button काम नहीं करेगा। ऑन-ऑफ बटन प्रेस करते ही सारे ग्लो लाइट्स में आपको लाइट आएगा और उसके बाद सिर्फ आपका फर्स्ट ग्लो लाइट ऑन करेगा। सेकंड बटन प्रोग्राम्स का है, इसमें आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप बटन प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रोग्राम सिलेक्ट करता जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम ऑटो है, सेकेंड इंटेंसिव वॉश, थर्ड नॉर्मल वॉश, देन इको वॉश, ग्लास 90 मिनट, रैपिड और सोप। सोप वाला ऑप्शन सबसे छोटा 15 मिनट का साइकिल होता है, जिसमें आपको ड्राइंग फीचर नहीं मिलता है। दिस इज बेसिकली फॉर लीस्ट सॉइल यूटेंसिल्स, जो आपके लाइक सूप बाउल्स होते हैं जिसको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आप सोप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देन इस डिले टाइम, डिले टाइम आपका होता है यूनिट को कुछ देर के बाद स्टार्ट करने का। जैसे जैसे आप डिले टाइम प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे वो पर आर के हिसाब से डिले टाइम सेट करता जाएगा। देन इज हाफ लोड, हाफ लोड में आपकी तीनों बास्केट्स चलती हैं बट उसमें यूटेंसिल्स कम रखे जाते हैं। थर्ड इज ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है एक्स्ट्रा ड्राइंग है, एंड सेकेंड इज शार्प प्लस, एंड द लास्ट बटन इज फॉर स्टार्ट एंड पॉज। जैसे जैसे आप प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट प्रीसेट टाइम दिया हुआ है और साइकिल दिया हुआ है, वो उस हिसाब से साइकिल ले लेगा। कोई भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बीच में आपको रोकना है तो आप पॉज का बटन प्रेस कर सकते हैं।